घर तो सबका सपना होता है, पर कुछ ही घर ऐसे होते हैं जो सपनों के घर होते हैं। तो आज बात ऐसे ही एक सपनों के घर की, जहां एक से बढ़कर एक लैविश रूम्स, स्विमिंग पूल, जिम और वो सब कुछ है जिसके लिए आपको आम तौर पर घर से बाहर जाना पड़ता है। पर यहाँ इस घर में इसकी जरूरत नहीं है। ये दुनिया का सबसे महंगा घर ही नहीं, ये इस पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा घर भी है। आज हम जानेंगे कि ये किसका है और आसपास के लोकल लोग इस घर के बारे में क्या सोचते हैं। 15वीं सदी में अंटीला नाम का एक मिथिकल आइलैंड था जो कि यूरोपियन और अरबिक मैप पर नजर आता था। कुछ लोगों का ये मानना था कि यहाँ ये आइलैंड ड्रैगन से भरा हुआ है, तो कुछ ये मानते थे कि यहाँ क्रिश्चियन धर्म के सेंट द्वारा 7 सिटीज बनाई गई हैं। कुछ का मानना था कि यहाँ बेहद अमीर लोग रहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं, जिनमें से किसी का भी सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अंटीला एक मिथ है जिसे मैप मेकर और समुद्र के रास्तों के खोजकर्ताओं ने गढ़ा था। खैर, इन बातों का तब कोई मतलब नहीं रह गया जब सेलर्स अटलांटिक ओशन का चप्पा चप्पा जानने लगे। पर अंटीला का नाम दोबारा चर्चा में तब आया जब खरबपति मुकेश अंबानी ने अपने घर का नाम अंटीला रखा। अंटीला इंडिया में साउथ बॉम्बे के अल्टेमोंट रोड पर है। इस जगह को मुंबई के अरबपतियों का इलाका माना जाता है। अंटीला का स्ट्रक्चर परकिंस एंड मिल नाम के आर्किटेक्चर फर्म ने डिजाइन किया है। ये फर्म बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। इसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी लाइटन होल्डिंग ने बनाया है। जैसा कि हमने बताया, ये दुनिया का सबसे बड़ा घर है। इसमें कुल 27 फ्लोर्स हैं। ये ज्यादा नहीं लगता ना, पर इसकी एक फ्लोर की नॉर्मल हाइट नॉर्मल फ्लोर से 2 से 3 गुना ज्यादा है। इसे नॉर्मली देखा जाए तो इसे 60 स्टोरीज लंबा माना जा सकता है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 593 फीट है और अगर इसके टोटल एरिया के बारे में बात की जाए तो ये 4 लाख स्क्वायर फीट का है, जो कि व्हाइट हाउस से भी 7 गुना बड़ा है। इसे बनाने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसकी अभी की वैल्यू इससे भी कई अधिक है। इसे बकिंगहम पैलेस के बाद दूसरा सबसे महंगा घर माना जाता है। इस घर को स्टील और ग्लास से बनाया गया है ताकि ये 8 रेक्टर स्केल तक के भूकंप को भी झेल सके। इसे बनाते वक्त इसमें ग्रीनरी का खासा ख्याल रखा गया है, जिससे घर का वेंटिलेशन सही रहे, जिससे इसका तापमान ठंडा रहे और देखने में भी अद्भुत लगे। इस घर में 6 अलग-अलग सेक्शंस हैं, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, साउंड और लाइट के कॉम्बिनेशन को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। इसे इनलाइटनमेंट की तरफ जाने के तौर पर भी समझा जा सकता है। इस पूरे घर का डिजाइन सूरज और कमल के डेकोरेटिव डिजाइन जैसा है, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म और उच्च पद को दर्शाता है। इसमें कुल 9 एलिवेटर्स हैं, जो आपको इस बिल्डिंग में कहीं भी ले जा सकते हैं। इस घर का कोई भी फ्लोर किसी अजूबे से कम नहीं। इसके टॉप पर है 3 हेलीपैड और इस रूफ टॉप के जस्ट नीचे इस घर का पर्सनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑफिस है। 6ठे फ्लोर पर अंबानी फैमिली का रेसिडेंशियल एरिया है, जहां अंबानी फैमिली के कुल 5 मेंबर्स रहते हैं। वैसे इस फ्लोर की ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, ये अंबानी फैमिली का सीक्रेट है, लेकिन जाहिर है दूसरे फ्लोर्स की तरह इस पर भी शानदार फर्निशिंग, मार्बल फ्लोर, पर्ल वॉल्स और गोल्डन टीक है। इनके किंग साइज बेडरूम की फोटो जरूर एक बार लीक हुई है। 6ठे फ्लोर के नीचे दर्जनों गेस्ट सूट्स हैं और तो और 6 फ्लोर के नीचे इस घर में सब कुछ है जो एक मॉल में पाया जाता है। इसमें हेल्थ और रिक्रिएशन सेंटर के तौर पर 2 स्टोरीज हैं, जिसमें 2 पूल हैं, एक फुल जिम है जिसकी फ्लोरिंग टर्फ की है, योगा स्टूडियो है, डांस स्टूडियो है, जूस बार और आइसक्रीम पार्लर भी है, जहां हर तरह के आइसक्रीम का स्वाद भी लिया जा सकता है। इस घर में एक स्नो रूम भी है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई कोई बर्फीली जगह तो नहीं है, तो बर्फीली जगह का आनंद लेने के लिए मुकेश अंबानी ने घर पर ही स्नो रूम बनवा लिया, जिसका मजा समर्स में लिया जाता है। इसके वॉल्स से बर्फ टपकती है। यहाँ एक प्राइवेट मूवी थिएटर भी है, जिसमें फुल साइज स्क्रीन और 50 लोगों की बैठने की जगह है। इस घर में अडल्ट्स के लिए वाइन रूम और स्नैक्स बार भी है। यहाँ एक बॉलरूम भी है जो फैंसी ओकेशंस पर पार्टी देने के काम आता है। इसकी 80% सीलिंग क्रिस्टल के बने झूमरों से ढकी हुई है। बॉलरूम के सामने ही एक बड़ा सा बार है और इसके अलावा पावर रूम और इंटोरेज रूम भी है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट के लिए रखा गया है। इस फ्लोर के नीचे सलून और स्पा भी है। स्पा के नीचे आने पर हम पाते हैं एक बड़ी सी मंदिर, जहाँ तमाम रिलीजियस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्राउंड से लेके 6ठे फ्लोर तक तो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग ही है। इस पार्किंग स्पेस में 168 कार्स तक पार्क की जा सकती हैं। तो वही कार्स के लिए स्पेशल 7th फ्लोर पे कार सर्विस स्टेशन भी है, जहाँ आप अपने कार में पेट्रोल भी भरा सकते हैं। इसके लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस घर में 600 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वैसे मुकेश अंबानी कोई अनजाना चेहरा नहीं है, ना ही ये कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी टेक्सटाइल से लेकर रिफाइन
माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन और भी कई बिजनेसेस में अपनी दखल रखते हैं। ये इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अंटीला बनाने से पहले इस जगह पर एक बच्चों का अनाथालय था जिसे गिराकर अंटीला को बनवाया गया। इस कारण कुछ लोग मुकेश अंबानी से थोड़ा नाराज रहते हैं, पर अंबानीज के लिए तो ये जमीन उन्हें बेची गई थी। तो ये था आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा घर।